इस दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये आपको बताना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं। एसएससी सीजीएल सन 2022 का ये क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, फिगर काउंटिंग में आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप फिगर काउंटिंग के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज हम त्रिभुज की डिस्कस कर रहे हैं, कल हम वर्ग की डिस्कस करेंगे, उसके बाद वर्ग के बाद हम लोग आयत की डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स के जो क्यूब हैं, ठीक, क्यूबॉइड्स हैं यानी घन घनाभ की डिस्कस करेंगे। ठीक, तो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन देखिए, इससे पूर्व हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था नेक्स्ट वीडियो में। उसमें क्या किया था हमने, देखिए देखिए हमने इससे इस आकृति को बाहर निकाल लिया, बाहर हमने निकाल लिया। अब इस त्रिभुज में हम जानते हैं कितने त्रिभुज होते हैं दी गई आकृति में, 1 2 3 4 5 6। तो बाहरी बाहरी त्रिभुज, अंदर का देखिए, 6 के बाद देखिए, ये देखिए, देखो 1 7, ये 8, ये 9 और ये 10 और ये पूरा बड़ा वाला 11। कितने त्रिभुज हो गए? 11 त्रिभुज इस आकृति से आ गए। ये हम क्वेश्चन कर भी चुके हैं। ठीक, अब देखिए इसमें क्या हुआ, ये एक बढ़ोतरी कर दी गई है इसके, यानी इस वाले त्रिभुज की बढ़ोतरी कर दी गई है। ठीक, तो इसमें से भी 4 हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 और ये 4, ये पूरा बड़ा वाला आपका ये 5। ठीक, तो ठीक पूरा बड़ा वाला 5 इसमें हो गया है। तो 4 त्रिभुज यहाँ पे है, तो 11 और ये 4 इतना हो गया, 15 त्रिभुज इस दी गई आकृति में होंगे। ठीक, 15 त्रिभुज इस वाली आकृति में होंगे, ये इसमें शामिल हो चुका था पहले से ही। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 15 त्रिभुज हो जाएंगे। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। हमने ये वाली आकृति बाहर निकाल ली है। ठीक, उसमें से हमने 11 त्रिभुज इस आकृति से फाइंड किया। इसमें सिर्फ एक आकृति ये देखो, ये वाली बढ़ा दी गई है इसमें, तो उसमें से हमने देखिए 1 2 3 4 त्रिभुज निकाल लिया, 11 4 15। राइट ऑप्शन बी हो गया। धन्यवाद।